help, bravo da putaria. तो जय हिंद मेरे चाहने वालों, कैसे हो सारे? सब बढ़िया? आई होप भगवान की कृपा सब बढ़िया होंगे, हंसते खाते पीते हुए अपनी ज़िंदगी काट रहे होंगे। हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है ही, जैसे कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं करता तो कुछ नहीं हूँ, बट सोचता बहुत हूँ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करूँगा। आप लोग तो खैर मुझे एक साल से जानते हैं और देखते होंगे मैं बड़े बड़े डायलॉग मारता हूँ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, बट करता क्या? कुछ घंटा कुछ नहीं कर पाता। अच्छा बात नहीं है। वही ना गाइस, मतलब ज़्यादा सोचना हमारी एक अच्छी फितरत है, बट काम ना करना हमारी एक बुरी फितरत है। और शायद मेरे को किसी बुरी फितरत का ही कब्जा मेरे शरीर पर है, इसी वजह से मैं ज़िंदगी में कामयाबी के चरण नहीं पहुंच पा रहा हूं, मतलब कामयाबी नहीं पा पा रहा हूं। तुम्हें शर्म है कुछ? वरना आज तक मैं अज्जू भाई से भी बड़ा यूट्यूबर बन गया होता, ऐसा मुझे लग रहा है। भाड़ू, कम बोलने जरा कम। हो गया कुछ नहीं गाइस, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें उसे सामना करना और जीतना हमारा यही। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं आ जाता हूँ पोचनोक में, और पोचनोक में होते हैं एकाध दो बंदे, एकाध दो स्क्वाड नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वाड की भारी कमी रहती है। यहाँ पे सब बंदे अपने आप को प्रो समझते हैं और अकेले अकेले कूद कर मारने का प्रयास करते हैं, जैसे मेरे सामने एक घोंचू था। तो चलो बेटा, तो फाइनली इस बोट को पेल देता हूँ। और पता नहीं मेरी गेम में ये रैंक इतने हाई होने के बाद भी बोट ही बंदे क्यों आते हैं। छे, धिक्कार है हम पर। मतलब मुझे अच्छा लगता है मारना, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे बोट किलर कहें। खैर कहते तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या करूँगा जब ग्रेना खुद चाहता है कि मैं बोट बंदे मारूं, तो मैं क्या खुद से कर सकता हूं? मैं बैठा हूं किस्मत के भरोसे। बाकी दूसरी आईडी से खेलता हूं तो मेरा गेम ही स्टार्ट नहीं होता। जब से 5G मोबाइल लिया हूं, मेरे सारे सपने पानी के पानी में धरे रह गए। मतलब लाइव स्ट्रीम करने का सपना, अच्छे बंदे पेलने का सपना। मियां खली, क्या बोला तूने? सॉरी गाइस, थोड़ा भावनाओं में ज़्यादा बह जाता हूँ। तो खैर, आता हूँ मैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में होता है घोंचू, जो कि फ्री वाला रिवाइव लेकर अपने होल स्क्वाड को रिवाइव करने का प्रयास करता है। खैर कर लेता अगर मेरी निगाह उसके ऊपर ना होती, कोई और बंदा होता तो खैर माफ़ भी कर देता, बट KTM भाई से उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हें माफ़ ही करता है। और मेरे माफ़ी करने का तरीका थोड़ा अलग है। ओ, तू तो गया बेटे। हवा निकल गई। तो यहाँ पे इस बंदे को डाउन कर देता हूँ। और क्या मतलब कि तुम मेरे सर के ऊपर हो तो पिशाब भी करोगे? भाई मैं बड़ी आसानी से पेल देता हूँ। और जैसे इस बंदे को यहाँ पे फिनिश करता हूँ, तो इसका चचेरा भाई जो लास्ट बंदा बचा था, वो ऊपर से हम लोग को डैमेज देता है। खैर मैं मारने का सफर तो ले लेता हूँ, बट सोचता हूँ मार पाऊँगा या नहीं मार पाऊँगा, ये भी तो थोड़ा मुश्किल होता है। खैर यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और बाद में वेट करता हूँ कभी ये मेरे को मिले और कब इसको मैं बॉडी शॉट पेल कर इसकी पूरी स्क्वाड को लेकर पहुँचा दूँ। और होता भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे इस कैंपर भाई को बड़ी आसानी से पेल कर मैं चल देता हूँ आगे की ओर, क्योंकि बाकी बंदे भी मेरे नाम की माला जप रहे थे कि कब KTM भाई आए और हमें पेल कर हमारा उद्धार कर दें। खैर तुम लोग भी जपोगे एक दिन, जिस दिन मैं बड़ा बन जाऊँगा। अभी तो खैर गाली देते होगे मेरे पीठ पीछे, मुझे नहीं पता। और आ जाता हूँ आगे की ओर, और यहाँ पे होते हैं लॉट्स ऑफ बंदे गाइस, बट क्या बताऊँ मेरे यहाँ पे इतने क्लॉक हैं कि सारे के सारे मेरे किल चोरी में चले गए, यानी मेरे ही टीममेट्स ने मेरे साथ गलत अन्याय किया। खराब हो जाएगा, मैं बम्मा बहन पे आ जाऊँ। जैसे यहाँ पे ही देख लो, देखा ऑलमोस्ट वो बंदा मर ही गया था, बट इस साले ने हरामी भोसड़ी वाले मायर करके किल अपने नाम कर लिया। और बंदा यहाँ पे नीचे की ओर था, तो चलो बेटा तुम भी बस। और इस बंदे को आसानी से डाउन करके मैं चल देता हूँ आगे की ओर, क्योंकि ग्रोजा का असली टेस्ट तो अभी बाकी है। तुमने शुरू में तो देखा ही होगा किस तरह मैंने 2 सेकंड के अंदर पूरी स्क्वाड को लॉबी में पहुंचा दिया। खैर इतना खतरनाक मैं डेली नहीं होता हूं, कभी कभी होता हूं जब कभी कभी मेरी मूड बनता है या तो किसी बाबा का प्रसाद मिल जाता है। अबे साले, कभी नहीं ऐसा वैसा प्रसाद नहीं, स्पेशल वाला प्रसाद। और गाइस यहाँ पे जैसे आगे की ओर बढ़ता हूँ, तभी जोन का प्रकोप भी मेरे सर के ऊपर मंडराने लगता है
और मुझे बार बार काट कर मेरे HP को आधा करने का प्रयास कर रहा था, जो कि बिल्कुल मेरे XP गई है कॉपी टू कॉपी। खैर बंदे तो आगे थे और हमें आगे जाना ही पड़ेगा, वरना हमारे यहीं पे लग जाएंगे और हम लोबी में नजर आएंगे। तो अभी असली फाइट यहीं पे स्टार्ट होगी। तो देखो करे। ओ भाई साहब क्या ही तगड़ा। रिपोर्ट मत मानना गाइस मेरी आईडी में, कभी कभी इतना तगड़ा खेल जाता हूँ। तभी जाता है नीचे से रेस थी तो सलमान खान, तो चलो सलमान भाई आप भी। और यहाँ पे गुलवल की आड़ में मैं खड़े होकर मेडिकेट वगैरह मारता हूँ और यहाँ पे डाउन किए हुए बंदे का लूट करता हूँ। तभी सामने की तरफ LCF से एक बंदा मुझे हल्की फुल्की डैमेज देकर इशारा करता है KTM भाई मुझे हेडशॉट मारकर मार दीजिए। अच्छा बहन, तो मैं उसकी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, यानी कि सभी की इच्छाओं को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों में है गाइस। है तुम्हारी वो इच्छा पूरी नहीं कर सकता जो तुम्हारी ये हल्की दिमाग यानी तुम्हारी ये गंदी सोच सोच रही है। मैं एक साधारण बच्चा हूँ और कृपया मुझे बिगाड़ने का प्रयास ना करें। और जैसे जैसे लास्ट जोन का मैच करीब आते जा रहा था, वैसे ही वैसे बंदे कम हो जा रहे थे और मेरी धक धक बनी थी कि सारे के सारे किल मैं कर पाऊंगा या ना कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे टहरामिट टीमेट्स मेरे आसपास ही मंडरा रहे थे। तो खैर यहाँ पे ऐसे की तरफ घास की आड़ में बना एक बंदा था, तो उसको मैं पहले चटपटा गोला खिला देता हूँ। नहीं नहीं तुम क्या सोच के भागे, तुम मेरे हाथों से बच जाओगे? अब तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि तुम यहाँ पे बैठोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? बेटा 25 साल का तजुर्बा है गेम खेलने का और तुम्हारे जैसे बोर्ड तो मैं डेली मारता हूँ, तो चलो तुम भी। और यहाँ पे मेरे नौकिल बड़े आसानी से हो जाते हैं और जैसे ही नौकिल होते हैं तो मेरी खुशियाँ जो है आसमान में पहुँच जाती है। और जैसे ही मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 5 बंदे बचे हैं और हम अकेले 4 दानव, तो यहाँ पे मेरी सारी की खुशियाँ धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि मेरे सारे जानेवार टीममेट्स पक्का कोई ना कोई मिलकर वो बंदे को फेल कर भुया करवा देंगे और मेरा अकेले ही रह जाएगा। खत्म हो गया भैया मैटर। वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मारोगे।